भगवान आकर के सिखलाते हैं और मुख से कहते हैं मनुष्य निराकार बाप को याद करो, घड़ी घड़ी याद करो, निरंतर याद करो। याद नहीं करेंगे तो मार्क्स कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई पढ़ा ही नहीं सकता। याद से ही पाप कटेंगे, नहीं तो देवता नहीं बन सकेंगे। जो अच्छी रीति सुनते हैं उनके सामने जाने से, उनके नयन चयन से मालूम पड़ जाता है कि इनकी बुद्धि में बैठता है। तो चक्र को याद करना है, बाप को याद करना है, चक्रवर्ती राजा बनना है। बच्चों को समझाया हुआ है कि तुम 84 का चक्र कैसे फिरते हो, अपने आप से ही माथा मारना होता है, अर्थात अपने अंदर अंदर ही मनन चिंतन मंथन करना चाहिए, अपनी आत्मा का दीदार पहले करना चाहिए कि मेरी आत्मा कैसे कैसे, कहां कहां, किन किन साथियों के साथ 84 जन्म लेती है। अभी तुम बाप के बने पड़े हो, जरूर निश्चय है तब तो यहां रहे पड़े हो, फिर भी तुमको माया कहां ना कहां पकड़ करके गिरा देती है। तो कर्मातीत अवस्था में पहुंचने के लिए मेहनत करनी है और वो तीव्र मेहनत अंत में होगी और वो अंत की बात कोई की भी समझ में आ सकती है। इसलिए अभी से पुरुषार्थ में लगे रहना चाहिए। लंबे समय का पुरुषार्थ अंत में भी काम आवेगा। नित नया तुम्हारा पुरुषार्थ चलता रहे। तुमको ये निश्चय करना है बेहद के बाबा से हमको याद की यात्रा से बेहद का वर्षा लेना है। इसी में माया विघन डालती है। कोई कोई को तो सारा दिन भुलाई देती है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। याद करने में कभी भी थकावट नहीं होती है। बाप के हम बच्चे हैं, यही हमारा सबक है। इसको भूलने से बहुत घाटा पड़ जाता है। वेद के बाप से बार बार हमको वर अर्थात वरदान अर्थात वर्षा मिलता है। फिर भूलने से ड्रामा में पार्ट है। बाप के सम्मुख रहने से बाप को भूलना नहीं चाहिए, जबकि बाप कहते हैं मुझे याद करो। लौकिक बाप तो नहीं कहते, वो ऐसे नहीं कहेंगे देह के सभी संबंध छोड़ अपन को आत्मा समझो, शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो। एक की याद से ही पाप कटेंगे। तुम सतोप्रधान बनते जाते हो अर्थात तुम्हारे पाप कटते जाते हैं। तो ये याद करने का धंधा तो बहुत खुशी से करना चाहिए। ये गीता में भी है, परंतु ये बात कोई की बुद्धि में ठहरती नहीं है। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, शूद्र से डायरेक्ट देवता तो नहीं बन सकते। ब्रह्मा द्वारा शूद्रों को ब्राह्मण बनाया जाता है, फिर ब्राह्मणों को बाप बैठ शिक्षा दे करके देवता बनाते हैं। तो ऐसे बाप को भोजन खाने के समय भी याद करना है। इसलिए ब्रह्मा भोजन की इतनी महिमा है
जो फिर महिमा भक्ति मार्ग में भी चलती है। या तो बाप कहते हैं सभी को भूले, एक बाप को याद करना है। ये गुप्त अभ्यास तुम बच्चों का चलता रहे, इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। अपन को देखना है मैं बाबा को याद करता हूं। याद में बड़ी खबरदारी रहनी चाहिए इस बात की है, इस बात की खबरदारी रहनी चाहिए। अरे याद में कोई और दूसरा देहधारी इंटरफियर न करने पाए। तुम पुरुष बनते हो, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम पक्के पक्के पुरुष बनते हो। पुरु कहा जाता है शरीर को, पुरी माने शेते आराम करने वाला। इस शरीर रूपी पुरी में तुम आराम करने वाले पक्के पुरुष हो। कौन सा यादगार चित्र है, है? नारायण विष्णु वो क्षीर सागर में दिखाते हैं। ये तो विषय सागर कलयुग है, तो इस बात को समझने में संशय नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो संशय कुछ न कुछ, संशय बुद्धि विनश्यते, काय का विनाश हो जाता है, पद का विनाश हो जाता है। कोई भी संशय पड़े तो बताना चाहिए। मेहनत है अपन को आत्मा समझ, एक बाप को याद करना। आधा कल्प रावण के बने, अर्थात 10 सिर वाले के बने। अभी एक राम के बनते हो, इसलिए रामलीला में राम को एक सिर दिखाते हैं और रावण को अनेक सिर दिखाते हैं। तो बाप कहते हैं कितने भी तूफान आए फिर भी बाप को याद जरूर करना है, क्योंकि ये रावण राज्य है, राम राज्य नहीं है। राम का राज्य इस दुनिया में कहीं भी नहीं है, क्योंकि मधुबन में भी माया आती है। चढ़ती कला और उतरती कला तुम्हारी याद के ऊपर है, तुम्हारी सेवा के ऊपर है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, समझाना चाहिए। इस समय सभी आत्माएं तमो प्रधान है और सतयुग में सभी आत्माएं सतो प्रधान होंगी।